दोस्तों स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। और दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज के वीडियो में आपके WCC2 से जितने भी सारे आपके डाउट्स है सबके सब आज इस वीडियो में खत्म होने वाले हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या, आपको वीडियो पूरी अंत तक देखनी है ताकि आपको सारी की सारी एक एक इन्फॉर्मेशन पता लग सके कि WCC2 के बारे में रिलीज डेट वगैरह जो भी है। तो इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाला हूं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए मेरी सबसे पहले गेमिंग वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं WCC2 के नए अपडेट के बारे में। दोस्तों मेरे से बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझसे पूछ रहे थे कि जो WCC2 का अपडेट है वो कब आने वाला है, इसकी रिलीज डेट बताओ, और भी बहुत सारे डिटेल्स बताने के लिए पूछ रहे थे। तो इस वीडियो में मैं आपको सारे डिटेल्स बताऊंगा। तो आपको करना क्या है, पूरी वीडियो देखनी है ताकि आपको सारी डिटेल्स पता लग सकेंगी। तो सबसे पहले आपको बता दूं जो WCC2 का जो रिलीज डेट है, तो सबसे पहले तो वो हम नवंबर में अपडेट रिलीज होने वाला था, तो फिर रिलीज नहीं हो पाया था। फिर वो दिसंबर में होने वाला था, तो दिसंबर में भी नहीं हुआ। फिर जनवरी में होने वाला था, तो जनवरी में भी नहीं हुआ। दोस्तों यही कोई 3-4 महीने से जो अपडेट है रिलीज नहीं हो रहा है। तो अब रिलीज डेट कब आने वाली है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये इसमें जो डिले है वो हो क्यों रहा है। तो दोस्तों जब भी कोई गेम बनती है, या जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि गेम बनने में 1 या 2 दिन तो लगता नहीं है, गेम बनने में पूरा 1 साल भी लग जाता है। तो अब WCC2 जो है वो अब गेम तो बना नहीं रही है पूरी, लेकिन फिर भी दोस्तों जो गेम को अपडेट कर रही है, लेकिन वो जो अपडेट है वो एक तरह का जो उनका अपडेट है वो पूरी की पूरी गेम रीडिजाइन करना ही है। तो जब वो जो गेम है पूरी रीडिजाइन कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने जो सबसे पहले जो डेट दे दी थी नवंबर की एंडिंग में, दिसंबर की एंडिंग में हम जो अपडेट रिलीज कर लेंगे जो कि उन्होंने कहा था हमें। तो अब जो गेम पूरी वो रीडिजाइन कर रहे थे, तो 1 या 2 महीने चलो लग भी जाता है, तो उसके बाद उन्होंने फिर भी जो अपडेट है रिलीज नहीं किया था, क्योंकि दोस्तों उसमें बहुत सारे बग्स आ चुके थे। तो दोस्तों अगर कोई भी गेम अगर बनती है कुछ, उसमें थोड़े बहुत बग्स तो होते ही हैं, जैसा कि उन्हें पता लग चुके हैं वो बग्स के बारे में। तो इसलिए दोस्तों जो गेम है रिलीज नहीं कर रहे हैं अभी। तो दोस्तों अब वो गेम बग्स के साथ रिलीज क्यों नहीं कर रहे, अब मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि जो उनका पिछला अपडेट आया था 2.5.6 का, यानी कि जो 2.5.6 जो हमें अपडेट मिला था वो हमें 2.5.5 का जो हम अपडेट आया था उसका हमें उसमें सिर्फ इतना मिला था 2.5.6 में कि जो 2.5 है उसका जो बग्स थे वो सारे उसमें फिक्स कर दिए गए थे। तो इन्होंने पिछली बार किया था कि जो WCC2 का नया अपडेट था 2.5.5 का, इन्होंने वो अपडेट रिलीज कर लिया था बग्स के साथ में। तो जो इनकी गेम थी उस गेम को बहुत ज़्यादा डिसलाइक्स आ चुकी थी, और साथ में इनकी गेम्स को बहुत ज़्यादा ऐसे हेट कमेंट्स आ चुके थे। तो फिर इन्होंने बग्स के साथ में रिलीज गेम कर दी थी, तो फिर इनका बहुत सारा नुकसान भी हो चुका था गेम का, बहुत सारे यूजर्स ने गेम अनइंस्टॉल कर ली थी, बहुत सारे हेट कमेंट्स आ रहे थे। तो फिर इन्होंने जो अपडेट है वो फिर लाया था जिसमें कि उन्होंने बग्स जो थे वो सॉल्व कर दिए थे। तो इस बार भी इनका कुछ ऐसा ही है कि जो बग्स है बहुत सारे आ चुके हैं गेम में, तो इसलिए जो गेम है अभी रिलीज़ नहीं हो रही है। अगर दोस्तों फिर से गेम रिलीज़ करते हैं बग्स के साथ में, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है हम सारे कितना ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं WCC2 के नए अपडेट का, लेकिन अपडेट इसलिए रिलीज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों इनमें बग्स आ चुके हैं। अगर बग्स के साथ इस बार रिलीज़ करते हैं तो इन्हें फिर पिछली बार से ज़्यादा डिसअपॉइंट, यानी कि पिछली बार से ज़्यादा इनको हेट कमेंट्स और डिसलाइक अनइंस्टॉल बजने वाले गेम के, इसलिए अपना कोई लॉस नहीं कराना चाहते हैं, और साथ में यह हमें भी डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते हैं कि हमने इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा लिए गेम से, तो इन्होंने हमें फिर बग्स के साथ गेम दे दी, बीच में गेम क्रैश हो गई, तो बीच में क्या तो क्या। तो दोस्तों इसलिए जो गेम है रिलीज नहीं कर रहे हैं, ये इनका बहुत बड़ा रीज़न रह चुका है। आप जितना मर्जी ईमेल करो या हर बार यही बोलेंगे कि हमें बग्स के साथ रिलीज नहीं करनी है गेम, जैसा कि इन्हें पता है। तो दोस्तों थोड़ा देर और वेट कर देना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अब हमें 10 या 15 दिन का वेट करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं करना पड़ेगा क्योंकि 4-5 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं, गेम अभी तक रिलीज नहीं हुई है। तो दोस्तों 10 या 15 दिन का और ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं करना पड़ेगा, इतना तो दोस्तों ऐसा तो लग ही रहा है जो कि WCC2 बता रही है ऐसा। तो जो इसका थर्ड प्रोमो वो भी आ सकता है शायद अगले हफ्ते, या फिर अगर आना होगा तो अगले हफ्ते आ जाएगा, या फिर इस हफ्ते भी आ सकता है, आया तो आना होगा तो आ जाएगा, नहीं आना तो नहीं आ जाएगा। लेकिन दोस्तों 10-15 दिन में जो गेम है रिलीज हो ही जाएगी, यानी कि अपडेट जो है इसका रिलीज हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपके सारे डाउट्स जहां तक थे क्लियर कर दिए। अगर आपके और भी कोई डाउट्स है क्लियर करने हैं तो मैं आप जरूर से वो डाउट्स आपके क्लियर करना चाहूंगा। तो आपको करना क्या है, कमेंट्स में लिख देना, मैं आपके जरूर से उस पर एक वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों मेरा नाम है तुषार, मिलता हूं अगले वीडियो में। और साथ में एक और बात करना चाहता हूं, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो पर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में, और साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज दोस्तों इसको सब्सक्राइब कर दीजिए।
चैनल को हमारे गेमिंग एडिट 17 को। तो दोस्तों मेरा नाम है तुषार, मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, कीप गेमिंग एंड पीस।